पानीपत के सनोली रोड पर उस समय सनसनी फैल गई जब दो पक्षों के बीच में जमकर लाठी डंडे व तेज धार हथियार चले। दोनों पक्षों के बीच में झगड़ा दुकान पर कब्जा करने को लेकर होना बताया जा रहा है। झगड़े में एक पक्ष के 3 लोग घायल हो गए हैं, वहीं दूसरा पक्ष मौके से झगड़े के बाद फरार हो गया। एक पक्ष के घायल लोगों ने बताया कि वह दुकान उनकी है और ये दुकान उन्हें परिवार की ओर से विरासत में मिली है, जिस पर दूसरे पक्ष के कुछ लोग कब्जा करना चाहते हैं। इसलिए वो आज कुछ बाहरी लोगों को लेकर अपने साथ कॉलोनी में आए और उन पर लाठी डंडों व तेज धार हथियार से हमला कर दिया, जिसमें एक पक्ष के 3 लोग घायल हो गए, जिन्हें इलाज के लिए पानीपत के सामान्य हॉस्पिटल में भर्ती करवाया गया। झगड़े में घायल गोविंद लाहौटी ने बताया कि वो विवाद को खत्म करवाने के लिए जैसे ही मौके पर पहुंचे तो दर्जनों लोगों ने उन पर भी हमला कर दिया। गोविंद रावत ने बताया कि हमलावर अपने साथ हथियार भी लेकर आए थे और उन्होंने दुकान पर भी तोड़फोड़ की, जिसके बाद उन्होंने पुलिस को सूचना देनी चाहिए, लेकिन समय पर पुलिस का फोन नहीं मिला और पुलिस झगड़े के बहुत देर बाद पहुंची। वही मामले की जानकारी देते हुए SHO हरविंदर सिंह ने बताया कि मामले की सूचना पाकर वह मौके पर पहुंचे हैं और पीड़ित पक्ष की शिकायत लेकर जल्द ही मामला दर्ज कर जांच शुरू करेंगे। फिलहाल उन्होंने मौके पर स्थिति को संभाल लिया है। बताते चले कि दोनों पक्षों में जमकर लाठी डंडे चले। इस दौरान कई लोग गंभीर रूप से घायल भी हो गए। सभी को पानीपत के सिविल अस्पताल में भर्ती कराया गया है। इलाके में सनसनी व तनाव का माहौल है। क्या हुआ? मामला एक बड़ा भाई जा रहा था, यहाँ से दो बंदे आए ऊपर से, सीधा मारामारी करी उन्होंने। ए टूट पहले उन मारा बड़ा भाई साहब चाचा जी आ रहे थे गोविंद लाहौट जी, वहां से भी उनके साथ ही मारामारा करी है उन्होंने। कितने बंदे थे ये? कम से कम 10-12 बंदे थे। हथियार भी ले रहे थे? हथियार भी ले रहे थे सर, देसी कट्टा ले रहे थे, डंडे ले रहे थे, सब कुछ ले रहे थे वे। शुक्र मना उन्होंने फायरिंग नहीं करी, फायरिंग करते तो सारा काम हो जाता। जैसे मैं पूछा 10-12 मिनट में वहाँ पे दुकान के ऊपर देखा वेद कश्यप, जिसने झगड़ा कराया। वेद कश्यप उसका भाई, उसके बेटे, उसके साथी सारे दुकान में बैठे थे। मैं गया, मेरे साथ 1-2 जने थे। हमने जाके पूछा कि भाई तुमने बाहर के आदमी बुला के झगड़ा करा रहे हो, यहाँ कब्जा करा रहे दुकान के ऊपर, तो अच्छी बात तो है नहीं, अपने शहर की बात है, अपने शहर में रहने दो और शहर की बैठ के बात कर लो। तो ये कहने लग गया भाई चूड़ो का कोई मतलब नहीं, हमने तेरे को नहीं बुलाया। मैं क्या भाई तू बोल कैसे रहा? मैं क्या ढंग में बात कर, जो ये तेरे शब्द है जाति सूचक शब्दों का। बिल्कुल बिल्कुल। और मैंने उसको कहा, समझाया, लेकिन नहीं मांगा, लेकिन नहीं माना वो बोलता रहा। फिर मैंने उसको कहा तू मेरे को जानता नहीं क्या? कह रहा फिर क्या हो गया? और हंसने लग गया। मैं कहा ये बात हंसने की नहीं है, जो बोल रहा है ढंग से बोल। तो कहने लगा कि जा तू भी जा, जो तेरे पोता हो कर ले। उसने बड़े बदतमीजी से फिर आया, उसके बाद उसका लड़का आया मोटी, उसने कुर्सी उठा करके मारी। पहले भाई था मेरे साथ सूरज, इसने उसको रोका, इसके सिर पे लगी कुर्सी, मेरे हाथ पे लगी। उसके बाद जैसे मैं पीछे घूमा, 15-20 लड़के पूरी टोली के साथ पीछे खड़े थे। पहले उन्होंने हाथापाई करी, मैंने उनको समझाया कि तुम बाहर के लोग हो, तुम क्यों इस झगड़े के बीच मारे, शहर की बात है, तुम चले जाओ। लेकिन मैं नहीं माने। उसके बाद एक टोली और आगे 15-20 लड़कों की, उनसे वहाँ पर 20-25 लड़के उसने बुला रखे थे बाहर से, उन्होंने बिल्कुल ताबड़ तोड़ के साथ डंडे बजाए, पूरी मार पिटाई करी। नशे ले रहे थे, रोड़े ले रहे थे, डंडे ले रहे थे। बाहर से मतलब पानीपत के बाहर से थे या फिर आपके? नहीं, वे बाहर की गेंग थी पूरी, वे असले के साथ थे, कट्टे वगैरह उनके पास थे पूरे, उन्होंने कट्टे भी दिखाए हमें। पहले बिल्डिंग आ रखे थे, कट्टे की फायरिंग भी करी उन्होंने, फायरिंग करी है। पुलिस प्रशासन बड़ी लेट आया, हम पुलिस को फ़ोन करते रहे लेकिन कोई जवाब नहीं था, ना ही 100 नंबर पर कॉल करी कम से कम भी 50 बार, कोई भी रिस्पॉन्स नहीं आया, मिला ही नहीं, बिजी बिजी बताता रहा। कितने लोग घायल हुए आपके? 3 लोग। ब्रेकिंग न्यूज रास बसेरा आपके लिए लेकर आए हैं खास मौका, वो भी हरियाणा सरकार की अफोर्डेबल हाउसिंग योजना के साथ, जिसके तहत आपको मिलेगी 6 लाख रुपए तक की सुविधाओं के रूप में सब्सिडी, जैसे कि फ्री पार्किंग, EDC, IDC फ्री, क्लब चार्जेस फ्री और मेंटेनेंस फ्री, और कोई हिडन चार्जेस भी नहीं। तो आज ही बिना देर किए अपने सपनों का घर बुक